हेलो गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं एजुकेशन, करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको इस तरह वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना क्लास सिक्स, क्लास नाइन्थ या क्लास इलेवंथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ करना चाहते हैं या पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगी, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पर रिजर्वेशन कितना है, यहाँ पे कोर्स में सीटें कितनी हैं और इस तरह की जितनी भी बातें हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। इस वीडियो का पूरा देखते रहेगा ज़्यादा जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेरे सामने अभी ओपन हुई है। तो जो वो है BHUonline.in, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से जैसे मेरे यहाँ ओपन हुआ है। और अगर ये ऐसा पेज ना आए तो आपको ये ऊपर ये देखिए जो वहाँ यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप मोड पे, ठीक है। डेस्कटॉप मोड पे जैसे मैंने कर रखा है इस तरीके से आप इसे कर देना, ठीक है। तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड आते हैं तो नीचे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर सेट स्कूल इंट्रेंस टेस्ट 2019 लिखा हुआ है। इस पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स लॉगिन, नीचे की साइड में देखिए ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर आप कंप्यूटर में हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फ़ोन में है तो इसे डेस्कटॉप मोड पर कर दीजिए ऐसे, ठीक है। करने के बाद देखिए ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखे हुए कुछ क्विक टिप्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको फॉर्म फिल करते समय ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या लिखी हुई है कि आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, स्कैंड फोटो, स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए और पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM का डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म को फिल करते समय अगर कोई डाउट है कि यार फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाए तो देखिए नीचे लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, पेमेंट किस तरीके से करना है, फॉर्म के रिगार्डिंग कोई ऐसा डाउट नहीं है जो इसमें ना क्लियर किया गया हो, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। और उसका इंटरफेस किस तरीके से आएगा, क्या प्रेस करना है, सब कुछ यहाँ पे देखिए इमेज के साथ दिखाया गया है, इमेज कैसी कैसी आपके सामने ओपन आए होंगी, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बता रखा है आप लोगों की हेल्प के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं देखना चाहते हैं तो नीचे की साइड में यहीं पर ये देखिए क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे, 2014, 15, 16, 17, 18, इन 5 सालों के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे हैं। तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद देखिए फिर इसी पेज पर वापस आ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, क्लिक हेयर। देखिए ये लिखा हुआ है, दिखा आप लोगों को। यहाँ पर क्लिक जब आप करेंगे तो एक PDF है वो डाउनलोड होगी, मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग भी इसे एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे आने के बाद। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट सबसे ऊपर दिखाई गई है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपके जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 31 मार्च, 31 मार्च को आपकी लास्ट डेट, यानी कि आपको पूरा मार्च दिया गया है। तो थोड़ा जल्दी करिएगा, लास्ट का वेट मत करिएगा, जल्दी करिएगा, ठीक है। और अगर फॉर्म को फिल करते समय कोई करेक्शन गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए भी आपको 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर ठीक कर सकते हैं। यानी कि करेक्शन के लिए 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आप ठीक कर पाएंगे, आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो आपका 11 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, उसकी डेट क्या क्या है, तो क्लास इलेवंथ जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं, जिन्हें आर्ट्स या कॉमर्स की क्लास इलेवंथ में, उनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होगा। अगर आपको बायो लेनी है क्लास इलेवंथ में तो आपका एग्ज़ाम 26 अप्रैल को होगा। मैथ्स वालों के लिए 27 अप्रैल को होगा।
क्लास नाइन्थ के बच्चों का 28 अप्रैल को होगा और क्लास सिक्स के बच्चों का 29 अप्रैल को होगा। और ये जो एग्ज़ाम, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपका एग्ज़ाम सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें रिजल्ट कब आएगा आपका, तो रिजल्ट इन्होंने बताया हुआ कि 10 जून को आएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म डेट नहीं है। तो आप लोग रिजल्ट कब आएगा ये डिक्लेयर कब होगा ये आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर चेक करते रहेगा, आपको पता चल जाएगा जब भी डिक्लेयर होगा, ठीक है। और अब नीचे की साइड आते हैं तो नीचे काउंसलिंग कब होगी ये भी दिया हुआ है। तो क्लास सिक्स के बच्चों की काउंसलिंग 21 जून को होगी, क्लास नाइन्थ 22 जून को होगी, क्लास एलेवंथ मैथ्स के लिए 24 जून और क्लास एलेवंथ बायो के लिए 25 जून, क्लास एलेवंथ आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 26 जून, क्लास एलेवंथ पेड सीट यानी कि ये बॉयज़ के लिए है 27 जून। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि 4 घंटे तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। और अब नीचे की साइड जब हम आएंगे तो नीचे की साइड यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास सिक्स के बच्चों के लिए, अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए 30 सितंबर 2019 को, ठीक है दोस्तों। और आप फिफ्थ क्लास पास हों। अगर आपको क्लास नाइन्थ में एडमिशन चाहिए तो आपकी जो एज है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए 30 सितंबर 2019 को, और आप 8th क्लास पास हों। और आपको अगर 11th क्लास में एडमिशन चाहिए तो आपकी एज 18 साल से कम हो, ठीक है, आपकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए 30 सितंबर 2019 को, और आप क्लास 10th पास होने चाहिए। अगर हम मार्क्स की बात करें कि आपके 10th में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है नीचे की साइड में ही, देख लीजिए यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ दिया हुआ है कितने मार्क्स आपको चाहिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, जो साइंस, मतलब आपके अगर आपको साइंस लेनी है तो आपके सभी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और अबव 50% या 50% मार्क्स आपके अबव होने चाहिए आपके मैथ्स और साइंस में, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 60% होने चाहिए सभी सब्जेक्ट का मिला के, और आपके मैथ्स और साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स के लिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपको आर्ट्स लेना है तो आप क्लास 10th पास हो, यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं बताया कितने होने चाहिए, लेकिन आप क्लास 10th पास होने चाहिए, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों का, एक बार से पढ़ लेना अच्छे से। अगर हम बात करें सीट्स कितनी है, तो बॉयज़ के लिए पहले मैं बता दूँ, बॉयज़ के लिए जो क्लास सिक्स के बच्चे हैं उनके लिए 107 सीटें 107, और नाइन्थ के लिए 104 104, और 11th मैथ्स के लिए 38+50, 11th बायो के लिए 25, 11th कॉमर्स के लिए 13 यानी कि 13, और 11th आर्ट्स के लिए 12 सीटें हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि गर्ल्स के लिए, तो क्लास सिक्स के लिए 70 यानी कि 70 सीटें हैं, क्लास नाइन्थ के लिए 10 सीटें हैं, क्लास 11th के लिए 16 सीटें हैं, क्लास 11th बायो के लिए 17 सीटें, क्लास 11th कॉमर्स के लिए 25, और क्लास 11th आर्ट्स के लिए 40 सीटें हैं। यहाँ पे सीट कितनी कितनी है दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, से वो एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस है, आपको अगर सिक्स्थ में एडमिशन लेना है तो आपको फिफ्थ का जो फिफ्थ के स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा, अगर आपको नाइन्थ में एडमिशन लेना है तो आपका 8th तक का सिलेबस आएगा, और आपको अगर 11th में एडमिशन लेना है तो आपका 10th तक का सिलेबस आएगा। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ रिजर्वेशन भी कितना है, तो 15% SC कैटेगरी के लिए है, 7.5% ST कैटेगरी के लिए है, बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा यहाँ पे समझा रखा है अच्छे से इन लोगों ने कितना रिजर्वेशन किसे दिया गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा रिजर्वेशन ही दिया हुआ है यहाँ पे। और इस तरह से जितनी भी जनरल बातें हैं सब कुछ यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना, मैं तो आप लोगों से ही कहूँगा, ठीक है। और आपको टेस्ट किस तरीके से देना है वो भी यहाँ इन्होंने समझा रखा है कि आपको पेपर किस तरीके से देना है, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेना, सब कुछ अच्छे से पढ़ना यार, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, तो SC और ST कैटेगरी के लिए 200 रुपये, जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये आपकी फ़ीस होगी, ठीक है। और आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये सारी बातें भी इन्होंने नीचे बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी आके एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद ये इंटरफेस, सॉरी बैक हो जाते हैं, यहाँ से बैक होने के बाद ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म किस तरीके से फिल करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ साइड में देखिए, साइड में लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन, ठीक है, ये यहाँ पे जब आप आएंगे तो न्यू यूज़र रजिस्टर यूर्सल पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से, देख रहा होगा आपको,
तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल फिल करेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइनअप करना है। जब आप साइनअप कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेट लिंक और एक्टिवेट कोड आएगा, ठीक है। उस एक्टिवेट लिंक को खोलने के बाद एक्टिवेट कोड को आप डाल देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप जो ये वाला पेज है यहाँ पे फिर से आप आ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए ढंग से, इसी पेज पे आप दोबारा आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद एक्सटेंशन यूज़र साइन इन ये लिखा हुआ है ना, आप इस पे आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और साइन इन कर देना है, और इसके बाद आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ से शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा।